मेवात क्षेत्र की अरावली पहाड़ियों में पन रहे जंगल सफारी ने बढ़ाई मेवात के पशु पालकों की चिंता। बता दें कि नूह मेवात क्षेत्र और गुरुग्राम सीमा में पनाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी ने अब स्थानीय पशु पालकों की भी चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले जंगल सफारी निर्माण को कुछ पर्यावरण चिंतकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो अब स्थानीय पशु पालक भी सफारी पार्क बनाने के विरोध में आ गए हैं। इनका डर है कि जंगल सफारी पार्क बनने से उनके पशुओं के लिए अरावली पहाड़ियों का रास्ता बंद हो जाएगा, तब पशुओं के लिए चारे का संकट गहराएगा, जो उनकी रोजी रोटी में सीधा चोट होगी। अरावली से सटे ग्रामीणों का कहना है कि जंगल सफारी पार्क का निर्माण कराना प्रकृति और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है। स्थानीय पशुपालकों ने सरकार से अरावली पहाड़ियों को यथास्थिति में ही रहने की गुहार लगाई है। मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जंगल सफारी की जहां तक बात है उसके लिए जमीन का मामला क्लियर हो चुका है, एनओसी हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, उनसे शिलान्यास के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि यह है विश्व की सबसे बड़ी 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाई जा रही है, टूरिस्ट भी उनको देखने के लिए आएँ, इसलिए यह बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। आपको बता दें कि यह जंगल सफारी 10,000 एकड़ अरावली पहाड़ियों में बनने जा रही है। इसमें 6,000 कुरुग्राम और 4,000 नूह मेवात के क्षेत्र में चिन्हित की गई है। सरकार के दावे के मुताबिक इस जंगल सफारी में सनातनधारी जमीन पर चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले और पानी में रहने वाले जीव जंतु और पशु पक्षियों की विभिन्न जातियों के अलग अलग 10 जोन बनाए जाएंगे। सरकार का यह भी दावा है कि जंगल सफारी बनने से इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन एक तरफ विरोध भी है। पहले पर्यावरणविद आए जिन्होंने सफारी पार्क निर्माण के विरोध में 2 बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, एक बार हरियाणा सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं। अब स्थानीय पशु पालकों ने भी विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी का विरोध कर दिया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लिया कत हाल की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जो सरकार का जो प्रोजेक्ट है हरियाणा सरकार का जंगल सफारी पार्क, पहले तो हमको और यहाँ के आसपास के ग्रामीण वासियों को इसकी जो ड्राफ्टिंग है इस पर ही शक है कि सरकार का इस सफारी पार्क को डेवलप करने का मापदंड क्या है। दूसरी जो मूलभूत समस्या हमारे सामने आने वाली है इन फ्यूचर, देखिए बड़े लेवल पर जो पहाड़ी क्षेत्र से लगे हुए गांव हैं, हमारे 4-5 गांव हैं जैसे सूंद, चहलका, भंगो, ये जो गांव हैं इनमें बड़ी संख्या में लोग पशुपालक का काम करते हैं, जिसमें बकरी पालक हैं, गऊ पालक हैं और इस तरह के लोग हैं और जिनकी तादाद बहुत बड़ी संख्या में। अगर ये सफारी पार्क डेवलप होता है तो जो उनकी रोजी रोटी है उस पे बहुत बड़ा सवाल खड़े होने वाला है कि वो अपने पशुओं को लेकर कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस जंगल पार्क को डेवलप करने से पहले जो यहाँ की समस्याएं आने वाली हैं उस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आप इसको अपने एक रवैये के मुताबिक अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। ग्रामीणों से इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए कि इसकी सीमा क्या होनी चाहिए, विकास किसको अच्छा नहीं लगता, विकास सबको अच्छा लगता है, लेकिन विकास करने का जो मापदंड है उसमें ग्रामीणों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आप इसको लेके कहीं कोई चुनौती देने जा रहे हैं क्या आपका? देखिए हमारा जो मशवरा गांव के मौजूद लोगों से और जो यहाँ के पशुपालक उनसे हुआ है, हम इसको एनजीटी में चैलेंज करेंगे कि इसको डेवलप करने का सरकार का मापदंड क्या है, इसको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। राम जी ताहिर है और हम ये कहना चाहते हैं कि जी हमारा जो पहाड़ है गलत सरकार कर रही है, इसमें हम सभी लोग अपने मवेशी रखते हैं, गाय भैंस बकरी पालते हैं, इससे गुजारा करते हैं, ये नहीं जाना चाहिए। इससे हमारे पास से जाने में बहुत लंबे चौड़े टोटे पड़ते हैं गरीब आदमी, इससे ये नहीं जाना चाहिए। तो किस तरह का नुकसान होगा, क्या आप इस पे किस तरह आधारित हैं? हम इस पे इसलिए आधारित हैं कि जी हमारा जो पहाड़ है हम इससे ही गुजारा करते हैं, हमारे जितने भी पहाड़ के नज़दीक के गाँव हम सारे इससे गुजारा करते हैं, हमारा धन चरता है इसमें गाय भैंस बकरी और हम गरीब आदमी से जीवारी करता है, अपना पालन पोषण करता है। जो है सब्जी होती है ये
ये सब्जी है, इस सब्जी को हम सब खाते हैं, इससे भी गुजारा होता है। एक और सब्जी है वो, उसका पेड़ यहाँ नहीं है, वो थोड़ा सा आगे चल के है, उसे भी हम पका के खाते हैं। गरीब आदमी आ जाते हैं, इसे तोड़ के हम बकरी बच्चा पे और ले जाते हैं और घर जाके हम पका लेते हैं, इसे सब्जी बन जाती है इससे। हाँ, मेरा नाम यूसुफ है, मेरा गांव भंगो है और हम इसका मुख्य रीजन यही समझते हैं कि सुनने में आता है सरकार इसमें दीवारें खड़ी कर रही है, दीवारें चल रही है और हमारे पशुओं के लिए किसी के कोई रास्ता नहीं रहेगा। हम हमारा इस इन पशुओं पर ही निर्भर है, वो क्या नाम है, इससे ही हमारी रोजी रोटी का जो संग वो है इस पे ही चलता है। इधर रोजगार तो इधर है नहीं, इधर कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, बस ये पशु पालते हैं और इस पे उससे ही गुजारा करते हैं और क्या नाम है, इस उस पशुओं का ही दूध बेचते हैं और NCR में दूध बेचते हैं और जो ये पशु हैं इनको पहाड़ में ही छोड़ देते हैं। जब ये ब्याह जाती हैं, जब इनको नीचे उतार लाते हैं, नीचे इनका दूध बेचते हैं, जब ये दूध काट के फिर वापसी चढ़ा देनी, पशु पहाड़ में ही रहती हैं और इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान है और NCR को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि दूध से NCR में दूध बेचते हैं, उसको भी NCR में भी इसका बहुत बड़ा दूध का मात्रा कम हो जाएगी, हमें बेचने पड़ जाएंगे पशु। जंगल सफारी विकसित होने से क्या नुकसान है भाई? हम पशु ने कहाँ चराएं, अब पशु का ही हमारा काम है सारा, बता यहाँ कोई कार ना, मजदूरी ना, कोई और कोई चीज़ ना, यहाँ बैकवर्ड इलाका है, या मैं पशु से ही काम हो रहा है या इस पशु से ही कमा खा रहा है। अब इनसु जो है तार फैंसी हो जाए, उनसे ठंड फट जावा, शरीर फट जाए, उनके कीड़ा खपीड़ा पड़ जाए और वह बाउंड्री हो रही है, उन बाउंड्री के भीतर कोई हमने बढ़ ना दिए, बकरी बच्चा जाए कहाँ, ना भैंस को भी नुकसान, गाय को भी नुकसान, बकरी को भी नुकसान, इंसान को भी नुकसान। तो क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे? हम तो ये चाहें कि सफा हो जाए और वैसे जंगल हो जाए जैसे पहले हो, हमारा बड़ा बूढ़ा भी कमा खा गया, मैं बकरी बच्चा छू ढोर बछरू छू, हम भी गुजारो या इस करा, कोई ए कटरी ना फैक्ट्री ना कोई ही कोई मजदूरी ना, और बताओ क्या करो जाए। 100% नुकसान है हमको, अरे हम सारे नुकसान है हमको, फायदो कहा को। नाम आस मोहम्मद जी। अरे नुकसान है कहा जो, हमको तमाम धन कहाँ ले जाएंगे, हम जाए गरीब आदमी, गाय भी भैंस भी बकरी भी हम इन्हें कहाँ ले जाए, हमारा धन दो ही 10 रुपया को, दूध बेच के गुजारो करा हम यहाँ में, मंजूरी कुछ है नहीं, गरीब आदमी को बताओ कहाँ जाएंगे, बताओ सरकार कहाँ पहुँचाएगी, हमें कहीं पटक के भी आएगी, ये बिल्कुल ही गलत है भाई साहब, ये सरकार लग रही कैडी हो रहा हमारे पीछे। हमारा नाम जी साहबुद्दीन, हमको नुकसान है जी, हमको रिजक रोटी ये नहीं मिल रहा धंडोर से, और कहाँ से जाए जा पहाड़ छोड़ के, रोजगार पहले भी ना है। अगर यहाँ जंगल सफारी पर विकसित होता है तो मतलब आप कैसे नुकसान हो जाएगा, कैसे नुकसान के ना जी, हमको रिजक रोटी कहाँ मंजूरी पहले भी ना है, धंडोर से गुजार कर रहा, ये ना होगा कुछ कहीं गुजार होएगा, बताओ किस चीज़ से गुजार होगा, धन ढोर चल रो है तेस गुजारो कर रहा ही। हाँ जी, ये जो चार दीवारी कर रहे हैं, या को सावधान भी थोड़ा हम लोग, या कोई निकाल हो कुछ हमको फायदा पड़े जब तो बनी भी, जब या कोई निकाल फायदा हम लोग क्या नुकसान है, ऐसी चीज़ बनाओ जो हमको नुकसान ना पड़े। और या मैं ये नुकसान है हमको कि या मैं बाउंड्री हो जाएगी तो हम धन बच्चा कहीं में पालेंगे, और जैसे हम या ढोर बछरू पालना आजकल सब छोटा छोटा आदमी तो सब यही से गुजारो कर रहा है, जो भी कर रहे हो जो भी कुछ है, जमीन उबड़ खाबड़ या में ना तो पार पड़े हमारी सिवा धन के, और कोई भी आदमी गुजारो या सुख हो नहीं हो ना, बाउंड्री होगी रही, हम जंग जानवर छोड़ दिया, जानवर छोड़ने के बाद ये जब जब ये हमारा ढोरी ना बढ़ेंगे तो जानवर क्या खाएगा उसमें से, और भाई अब हमारा तो देखो यही रोजी रोटी है पहाड़ी, और कुछ तो है तो ना। मांग क्या है आपकी, क्या मांग? ये हमारा ऐसा ही रहना चाहिए जैसे पड़ा है, कोई छेड़छाड़ ना हो, ऐसे ही अपना गुजारा सब भाई कर रहे हैं मिलजुल के, हजारों आदमी लाखों ढोर पड़ रहा है इसमें, तो जब ही पड़ेंगे, जब ही खुला रहेगा, जब बंद हो जाएगा तो इसमें कौन बढ़ेगा, कौन बढ़ने देगा हमें? जरूर ना है कि आप इस चीज को मतलब हिंदी में बोलो, अपनी लोकल लैंग्वेज में बता दो, कोई कोशिश
आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये मतलब ग्रामीण जो मतलब उनको तो टोटल नुकसान बिल्कुल। ये हमारे पशु हैं यहाँ, मतलब ये रहते हैं और ये जोड़ ओड़ हमने ही करवाए, इसमें थोड़ा माटी मूटी पशुपालन करते हैं। मतलब 80% लोग गांव से बिल्कुल पशुपालन करते हैं और वो यहाँ ला के इनको अपने चारा मतलब कहना चाहते हैं वो इसी पर निर्भर है। हाँ, इसी पर निर्भर हैं बिल्कुल बिल्कुल। 80% लोग जो ग्रामीण हैं, जो नीचे के गांव हैं, इधर के उधर के, सब इसी पर निर्भर हैं। और मतलब 80% काफ़ी मतलब पशुपालन करते हैं और इससे बहुत मोटा नुकसान है ग्रामीणों का तो। और दूसरी बात यह है कि अगर ये मतलब इसको गवर्नमेंट हमारी मतलब हरियाणा गवर्नमेंट इसको मतलब वो सफारी पार्क अगर बना देती है, लॉक कर देती है, तो फिर नहीं तो पशु आएंगे इसमें, यानी जो अंदर का जो मतलब जैसे जानवर वगैरह हैं ये शायद ही इनको भी मतलब जैसे अब पशु आते हैं यहाँ, इनको भी भाई जैसे मान लें पशुओं में से ही खुराक इनको मिल जाती है, मतलब अपना कर लेते हैं, इनको भी नुकसान है, ग्रामीणों को भी नुकसान है, पशुओं को भी नुकसान है बिल्कुल स्पष्ट। इसमें तो अंदाज़ा गवर्नमेंट को लगाना चाहिए और बाकी यही है जी। ये हमारी मतलब रोजी रोटी पे भी बड़ा संकट है, मतलब इसी पे हम आधारित हैं। मतलब 80% मतलब बहुत ज़्यादा इस पे आधारित हैं। मतलब कोई मतलब किसी के पास कोई मजदूरी नहीं है या कुछ भी, मतलब अपने दो चार पशु लेके यहाँ अपने मतलब बच्चों को पाल सकता है इसमें करके मतलब। और